Hello, assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are having a great day. Welcome to Learn with QB. Today we are going to talk about prepositions. ये बताएं प्रेपोजिशन किस किस को मुश्किल लगती हैं। अगर आपको आज से पहले प्रेपोजिशन मुश्किल लगती थी तो मैं गारंटी देती हूँ आज के बाद से, इस लेक्चर को सुनने के बाद से आपको प्रेपोजिशन हलवा लगेंगी, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। सवाल ये है, प्रेपोजिशन होती क्या है, इनका काम क्या होता है? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मतलब ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका काम क्या है, एक सेंटेंस के डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप बताना। गॉट इट? आपको सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ पे पेश आती है ये समझने में ना, कहाँ पे इन लगाना है, कहाँ पे ऑन लगाना है, कहाँ पे एट लगाना है। देखें, सबसे पहले तो ये बात जहन में रखें, ये जो प्रेपोजिशंस होती हैं ये चार चीजों को इंडिकेट करती हैं। कौन सी? नंबर वन, डायरेक्शन को, लोकेशन को, और किसको? टाइम को और मैनर को। अब मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्शन को कौन सी प्रेपोजिशन इंडिकेट करती हैं, लोकेशन को कौन सी करती हैं, मैनर को कौन सी करती हैं, टाइम को कौन सी करती हैं। चले, नंबर वन पर है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को कौन से प्रेपोजिशन शो करते हैं? टू और टुवर्ड्स। टू और टुवर्ड्स, अगर ये दोनों ही डायरेक्शन को शो करती हैं, फिर हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे टू लगाना है, कहाँ पे टुवर्ड्स लगाना है? मैं हूं ना, मैं बताती हूँ। टू इंडिकेट्स डेस्टिनेशन और स्पेसिफिक पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू लाहौर। अब मैंने अपनी डेस्टिनेशन बता दी है, मंजिल बता दी, मैं कहाँ जा रही हूँ? लाहौर जा रही हूँ। आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड यस्टरडे। दिस इज अ 9-to-5 जॉब। ही डोनेटेड हिज मनी टू चैरिटी। ठीक है, समझ आ गया ना? अब देखते हैं टुवर्ड्स कहाँ पे यूज होगा। टुवर्ड्स इंडिकेट्स मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब आपको समझ आया ना कि अगर डेस्टिनेशन हो या स्पेसिफिक पॉइंट हो तो उसके लिए टू लगाया जाएगा, और टुवर्ड्स क्या है, ये मंजिल की तरफ मूवमेंट को शो किया जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द टीम इज वर्किंग टुवर्ड्स अ चैंपियनशिप। शी इज मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स हर गोल। शी शोड काइंडनेस टुवर्ड्स द कैट। चले, अब आपको टू और टुवर्ड्स का डिफरेंस तो समझ आ गया ना, कि ये दोनों क्या करते हैं, डायरेक्शन को शो करते हैं, मगर इनमें स्लाइड सा डिफरेंस है कि एक क्या करता है, डेस्टिनेशन को शो करता है, कौन से वाला? टू। और अगर हमने क्या करना है, डेस्टिनेशन की तरफ, मंजिल की तरफ मूवमेंट को शो करना है, तो उसके लिए हम टुवर्ड्स यूज करेंगे। अच्छा, डायरेक्शन का तो हमने देख लिया, अब देखते हैं कि प्रेपोजिशन लोकेशन को कैसे इंडिकेट करते हैं। कॉमन प्रेपोजिशन दैट इंडिकेट्स लोकेशन आर इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिलो। सबसे पहले देखते हैं कि इन कहाँ पे यूज होगा। इन इज यूज टू इंडिकेट जनरल पीरियड ऑफ टाइम। आई विल ग्रेजुएट इन जून। ही वॉज बॉर्न इन 2000। माई बर्थडे फॉल्स इन अक्टूबर। आई होप कि आज के बाद से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि ईयर और मंथ के साथ इन लगाना है या ऑन लगाना है। इन ऑल्सो इंडिकेट्स अ लोकेशन इन साइड अ लार्ज एरिया। फॉर एग्जाम्पल, शी इज वर्किंग इन द किचन। ही लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। अब आते हैं एट की तरफ। एट इज यूज टू इंडिकेट स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, लोकेशन और इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट यू एट द पार्क एट 5 PM। अब आपको ये पता चल गया ना कि टाइम के साथ हमेशा हमने एट लगाना है, एट 5 PM। ही इज वेटिंग एट द बस स्टेशन। दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। आई एम स्टडीइंग एट द लाइब्रेरी। द पार्टी इज एट माई फ्रेंड्स हाउस। नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज ऑन। ऑन क्या इंडिकेट करता है? ऑन इंडिकेट्स द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट ऑल्सो इंडिकेट्स सरफेस और लोकेशन दैट इज अबव समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। द कैट इज सिटिंग ऑन द मैट। अच्छा, इसके अलावा हम ऑन को डिस्कशन का टॉपिक बताने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे द लेक्चर वॉज ऑन हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेट्स फोकस ऑन द टास्क। अच्छा, अगर हमने डे बताना हो या डेट बतानी हो, तारीख, तो फिर क्या यूज करेंगे? तब भी हम लोगों ने ऑन यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, हर वेडिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड ऑन 10th October। ठीक है, आई विल मीट यू ऑन संडे। आई मेट हर ऑन फ्राइडे।
माई बर्थडे फॉल्स ऑन 11th October। अच्छा, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि थोड़ी देर पहले जब मैं आपको इनके बारे में पढ़ा रही थी तब मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, माई बर्थडे फॉल्स इन अक्टूबर। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ माई बर्थडे फॉल्स ऑन, अब ये क्या मसला है? अब आप गौर से देखें, पहले मैंने जस्ट मंथ के बारे में बताया था कि अक्टूबर में होती है मेरी बर्थडे, अब मैंने क्या बताया, अब मैंने 11th October मेंशन किया है, डेट मेंशन किया है, इसके लिए ऑन यूज होगा। मंथ और ईयर बताने के लिए इन, और डे और डेट बताने के लिए ऑन यूज होगा, और टाइम बताने के लिए हमेशा एट यूज होगा। गॉट इट? समझ आ गया ना? मुश्किल तो नहीं है ना? अब अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और आपने लाइक भी करना है। अब आते हैं ओवर की तरफ। ओवर इज यूज टू इंडिकेट अ पोजिशन अबव और हायर देन समथिंग। द क्लाउड्स आर ओवर द माउंटेन। इट इज यूज टू इंडिकेट अ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट हो रही होती है ना, उसके लिए भी हम लोगों ने यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, द हॉर्स जम्प्ड ओवर द हर्डल्स। हर्डल्स का तो पता है ना, रुकावटें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बर्ड्स फ्लू ओवर द रूफ टॉप। अच्छा, ओवर ऑल्सो इंडिकेट्स कंपेरेटिव डिग्री, मतलब क्या हुआ, मीन वन थिंग इज मोर देन अनदर। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू स्मार्टफोन हैज ओवर 50% मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन ओल्ड वन। अच्छा, ओवर इज ऑल्सो यूज टू कवर समथिंग। आई पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। अब आते हैं अंडर की तरफ। अंडर इज यूज टू शो अ पोजिशन दैट इज बिलो और बीनीथ समथिंग, मीन किसी चीज के नीचे। द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। द कीज आर अंडर द न्यूज पेपर। अंडर इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब सबऑर्डिनेशन। द न्यू एम्प्लॉई इज अंडर द सुपरविजन ऑफ द मैनेजर। द कंपनी इज अंडर न्यू मैनेजमेंट। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज अबव। अबव इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, इंडिकेटिंग वन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड इन अ हायर पोजिशन देन अनदर वन। फॉर एग्जाम्पल, द पेंटिंग इज हैंगिंग अबव द फायर प्लेस। अबव कैन ऑल्सो इंडिकेट हायर लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस और रैंक। He was promoted above his colleagues. Mean उसके colleagues से higher position उसे मिल गई। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि higher position के लिए तो over भी use हुआ था। Over and above दोनों ही higher position को show करते हैं, बस दोनों में slight सा difference होता है। अच्छा, हमने over के लिए क्या पढ़ा था कि एक object दूसरे object के directly ऊपर हो, but above में directly ऊपर नहीं होगा। Over can be used to indicate greater degree, while above cannot. और क्या डिफरेंस था? ओवर इज यूज टू शो द मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, व्हाइल अबव कैन नॉट। अच्छा, अब आते हैं अंडर और बिलो की तरफ। ये तो ओवर और अबव के बिल्कुल अपोजिट होंगे, ठीक है, उलट हैं दोनों। ये दोनों लोअर पोजीशन को शो करते हैं, बट जैसे ओवर के लिए लाजमी था कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली ऊपर हो, इसी तरह से अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली नीचे होगा तो अंडर यूज होगा। द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड। Please put your backpack under the table. Below is used when one object is lower than other, but उसके directly नीचे ना हो। The temperature outside is below freezing. The fish are swimming below the water level. अच्छा, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ये जो preposition है direction और location को कैसे indicate करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये preposition manner को कैसे indicate करती है। Common preposition that indicate manner are with and by. For example, she writes with her left hand. On the other hand, by is used to show means or methods by which something is done. I'm going to Karachi by air. He goes to school by bus. अरे, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना? जल्दी से कर दें ताकि मैं आइंदा भी इसी तरह की मजे की वीडियोस लेके आ सकूं। अच्छा, अब आते हैं for की तरफ। For कहाँ यूज होता है? For is used to show purpose or duration. I bought a gift for my sister. It has been raining for 2 hours. Next preposition is of. Of is used to show possession or relationship between two objects. The color of sky is blue. The sound of birds is very relaxing. The smell of flowers is lovely. The taste of the cake is delicious. From is used to indicate a relationship between people, things and actions such as starting point, duration,
and difference are contrast between two things. For example, my sister is coming from London next week. My new dress design is totally different from the previous one. अच्छा आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है. डायरेक्शन शो करने के लिए कौन सी प्रेपोजिशन होती है, टू और टुवर्ड्स. जनरल पीरियड ऑफ टाइम हो तो उसके लिए इन यूज होगा. अच्छा और मंथ और ईयर के बारे में बताना हो तो भी इन यूज होगा. डे कौन सा है, संडे मंडे, या फिर डेट तारीख, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ऑन यूज होगा. टाइम बताने के लिए 10 है, 12 है, 1 है, 2 है, ठीक है, 6 o'clock, 5 o'clock, इसके लिए क्या होगा, एट यूज होगा. अंडर, अबव, ओवर, बिलो, ये क्या था, ये कौन सी प्रेपोजिशन क्या शो करती थी, ये लोकेशन शो करती थी. और मैनर इंडिकेट करने वाली प्रेपोजिशन कौन सी थी, विद और बाय. आई होप कि आज के बाद से आपको प्रेपोजिशन डिफिकल्ट नहीं लगेंगी, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. आज के बाद से इंशाल्लाह आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. So that's it for today's video. I hope you like it. If you enjoyed this video and it was helpful for you, don't forget to give it a big thumbs up, like, subscribe and share.